वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पूरे परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोपहर का टाइम हो चुका है, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। और अभी मैं खाना बना चुकी हूँ, परी आ चुकी है। परी को अभी भी जस्ट मैं लेके आई हूँ। हाय, नमस्ते करिए। नमस्ते, नमस्ते। परी दीदी स्कूल से आ गई है ना? अभी अभी इसको स्कूल से लेके आई हूँ और कपड़ा चेंज कर लिए। परी है, खाने लगा बेटा, खाना खा लिया। दिखा रही है कि मैं काम कर रही हूँ, थाली लगा रही हूँ, तो इसलिए उसको थाली लगाने को बोली हूँ, क्योंकि राइस बन चुकी है इधर, राइस दाल सब कुछ बन चुका है। अभी राइस दाल के साथ में सब्जी है सुबह की थोड़ी सी, और थोड़े से पकौड़े मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये आलू के पकौड़े बना रही हूँ, और साथ में ना थोड़ा सा मैंने ब्रेड कट किया है, तो ब्रेड पकौड़े, सिंपल से ब्रेड पकौड़े बिना आलू के जो बनते हैं ना, वो मैं बनाऊंगी, तो उसको मैंने कट कर दिया है। बट पहले आलू का बना के हम लोगों को दे दूँ, और ब्रेड वाला भी उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनसे परी को अच्छा लगता है, तो सोचा कि चलो साथ में दोनों ही हो जाएगा। तो पिंजू की लड़ाई भी शुरू हो गई है, क्या कर दिया दीदी, क्या कर दिया? हाँ, ये तो बाबू का पकौड़े, आलू वाला पकौड़े ना। हाँ, आलू वाला। ये ऐसे, ऐसे, छोटा वाला थाली जो है ना, ये बाबू का है, इसलिए रो रहा था। तो छोटा वाला बाबू को ही देते हैं, और बिग बिग वाले में ना हम लोग खाते हैं। पे मेरे बन गए हैं पकोड़े, जो कि खाना के साथ हम लोग खाएंगे। और उसके बाद से ना मैं आते वक्त तो चिकन भी लेके चली आई थी, क्योंकि अभी आप सबको ही पता है कि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, और उससे पहले बस ये लास्ट ही हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई करने लगी थी छोट, और ये ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सूखी सूखी सी जो होती है ना वो मैं बना रही हूँ। गार्लिक जो है वो खड़ी खड़ी डाल दी है मैंने, और इसमें अब थोड़ा सा एक टमाटर मैंने ऐड कर दिया है, और बिल्कुल भी सूखे सूखे से ही बनाऊंगी ऐसे करके। तो अब इसको अभी तक मैंने ढका नहीं था, बिना ढके हुए ऐसे इसको फ्राई कर रही थी, लेकिन अब मैं ढक दूंगी इसको, और ये थोड़ा सींझेगा और उसके बाद से हो जाएगा। मतलब ऐसे ही करके ना धीमी आंच पे पकाते रहना है, गार्लिक वगैरह और ये टमाटर वगैरह सब धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा, और पूरा मतलब मसाला में मिक्स हो जाएगा। तो सही लगता है ऐसे भी कभी कभी, और ग्रेवी वाली तो खैर वो अलग बनती है। तो बस अभी मशीन लगाई थी मैंने, तो वो भी कपड़े लगभग धुल चुके हैं, बस लास्ट जो थोड़ा सा ड्राई होता है तो वो ड्राई हो रहा है, तो उसके बाद से लेके चलूंगी मैं छत पे, कपड़े भी डालने हैं छत पे। काम जो है ना चलता रहता है ऐसे ही। तो इधर मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, और यहाँ रखी मैंने बेडशीट्स, इसको भी करना है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals. तो पता है मौसम आज बहुत कड़क है, मेरे सारे कपड़े डल चुके हैं, काफी कपड़े थे मेरे, और अभी बेडशीट्स जो है ना थोड़ी लाइट कलर की थी बेडशीट्स, दोनों की दोनों, तो वो मैंने अभी लगा रखी है, थोड़ा उसका टाइमिंग ज्यादा करके रखा है मैंने। तो ऐसे तो मेरा सारा काम जो है ना, कपड़े धोने का हो चाहे कोई भी काम हो, सब मॉर्निंग में हो जाता है। कभी कभार अपने सिचुएशन के अनुसार कभी कभार ऐसा होता है कि शाम को या दोपहर के टाइम में टाइम नहीं मिला तो धोती हूँ मैं,
और अच्छी बात ये अगर हम चाहें ना छत पे कपड़े धोना, यहाँ पे सब कुछ बना रहता है, देखिए इधर के साइड में, उधर के साइड में कपड़े धोने के लिए ना ऑप्शन हर छत पे यहाँ पे होता है, तो यहाँ भी बना हुआ है। और ये हमारा रहा सोलर, बट हमारे यहाँ ना गीज़र भी है, गीज़र और सोलर, बीच में सोलर थोड़ा सा ख़राब हुआ था ना तो गीज़र लगा था स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे ऊपर में पानी गर्म रहता है, अगर हम लोग ऊपर आए हैं और किसी काम से तो छत पे अगर गर्म पानी की ज़रूरत है तो यहाँ से भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलिए चलते हैं नीचे, अभी धूप काफ़ी है इस टाइम पर, अचानक से मौसम चेंज होगा और बारिश हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, 3 बजे तो नहीं, 4 या 5 बजते ही उस टाइम से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बारिश वाला सीन, बारिश का मौसम, डेली ही बारिश होनी है डेली। यहाँ पे प्रिंसू को देखिए, परी दीदी का पूरा बुक और स्टडी टेबल ठीक करते हुए, ये सब कौन कर रहा है प्रिंसू, क्यों कर रहा है ये सब? दीदी पूरा फैला के गई है। हाँ। ओके, तो अभी शाम का टाइम है और इनकी दीदी घर पे नहीं है, तो उनकी हेल्प किए जा रहे हैं, एकदम हेल्प किए जा रहे हैं, क्योंकि स्टडी टेबल इन्होंने ही बिगाड़ा होगा, मैं थोड़ी देर के लिए ना सो गई थी तो ये पूरा फैला दिया है, तो जरा सी देर के लिए मैं सोई थी, मैं ऐसे ही सोई नहीं थी, लेटी थी सोफे पे, लेटे लेटे मुझे थोड़ी हल्की सी, मतलब नहीं होता है, नींद आ गई थी, फिर आलस जैसा हो गया, तो 15-20 मिनट में वहीं लेटी रह गई। पापा भी था। और प्रिंसू इधर अपना कारनामा कर रहे थे बहुत देर से, ये वो क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें पटक रहा था, मुझे ध्यान आ रहा था कि हाँ कुछ तो कर रहा है, बट फिर मैंने इग्नोर कर दिया। और अभी मैं कर रही हूँ पता है चूड़ा फ्राई, तो चूड़ा फ्राई और बादाम मूंगफली वाला, तो ये अभी मैं कर रही हूँ, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए साथ में खाते हैं। प्रिंसू अभी इस टाइम पे ना सो भी गया है और थोड़ा पहले सो गया है आज, क्योंकि उठता है बहुत सुबह में, जब परी को जाना होता है ना उस टाइम पे उठता है, उसके पहले ही उठ के रेडी रहता है कभी कभी, तो आज सो गया है। वैसे मैं इतना तेज बोल रही हूँ फिर भी इसको नींद आ गई है ना, उठेगा नहीं क्योंकि रात वाली नींद आती है, उसके बाद से ये उठता नहीं है, आराम से सोया रहेगा बस। इसके सोने के बाद एकदम घर शांत हो जाता है, और परी अभी पढ़ाई कर रही है, वो पढ़ाई करेगी और उसके बाद से हम लोग खाना खाएंगे, तो ये भी हम लोगों के साथ ही खाता है, ऐसा नहीं है कि अलग पहले खिला देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, साथ में बैठता है हम लोगों के, साथ में खाता है और साथ में ही सोने आता है, इनफैक्ट हम लोगों के बाद में ही सोता है, हम लोगों को सुलाने के बाद, मतलब साथ ही में इसको भी नींद आ जाती है, तो ऐसे ही कुछ है। तो चलिए अभी हो गई है रात, हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए, पिंचू जी छो गए हैं मेरे, और ये वीडियो यहीं पर एंड कर देती हूँ, अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said